ग्रामीण खेल प्रतिभाओं के लिए वरदान साबित होने जा रहा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक। 29 अगस्त से शुरू होगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक महोत्सव। ग्राम पंचायत से लेकर राज्य स्तर तक होगी खेल प्रतियोगिताएं। राज्य भर में निकाली जा रही हैं ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा पहुंची थी चित्तौड़गढ़। इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेल प्रेमियों में मशाल को लेकर दिखा जबरदस्त उत्साह। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने चित्तौड़ से ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा जिले के अन्य ब्लॉक के लिए रवाना की। राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह जड़ावत ने कहा, खेल के क्षेत्र में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ऐतिहासिक विजन को साकार करने में खेल मंत्री अशोक चांदना पूरी तरह से जुटे हैं। जिला कलेक्टर अरविंद कुमार होसवाल, नगर परिषद सभापति संदीप शर्मा, पार्षद गण, खेल प्रेमी, शारीरिक शिक्षक और खिलाड़ियों की मौजूदगी में हुआ ये कार्यक्रम। वहीं जिला कलेक्टर अरविंद कुमार पोसवाल ने कहा कि परंपरागत खेलों और खेल प्रेमियों के लिए वरदान साबित होगा ग्रामीण ओलंपिक। नवभारत समाचार चित्तौड़गढ़ राजस्थान से दुर्गेश कुमार लक्षकार की रिपोर्ट। लिखा के चेयरमैन साहब संदीप शर्मा जी, आयुक्त साहब, जिला खेल अधिकारी, सभी पार्षदगण और सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे उपस्थित जितने भी खिलाड़ी हैं, सबसे पहले तो बहुत ही खुशी की बात है कि ये जो ग्रामीण ओलंपिक मशाल यात्रा है हमारे जिले में पहुंची है। और ये जैसा कि मैं बताया गया 27वां जिला है। 29 मई को जो है वो जयपुर से शुरू हुई थी और सभी प्रदेश के सभी जिलों में जाते जाते अभी चित्तौड़गढ़ में पहुंची है। और आने वाले समय में जो ग्रामीण ओलंपिक होने वाला है वो निश्चित रूप से उस ओलंपिक में हमारे, मुझे बताया गया कि लगभग चित्तौड़गढ़ जिले के भी 60,000 से ऊपर जो प्रतिभागी है उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया है। तो बहुत ही बड़ा नंबर है। इतने बड़े नंबर पर जब पहली बार, क्योंकि नेशनल गेम्स, स्टेट गेम्स तो पहले भी हुई होंगी, पर ग्रामीण स्तर पर जो इस तरह का ग्रामीण ओलंपिक है, ये मुझे लग रहा है कि पूरे देश में पहली बार हो रहा है। इस तरह से कभी भी पंचायत स्तर पर किसी को ऑप्शन नहीं मिला कि वो जो हमारी ट्रेडिशनल गेम्स है।